तो शहीद संतोष बाबू के बेटे को आप देख रहे हैं जो सलाम कर रहा है अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए। और पूरा देश ऐसे ही जो हमारे रणबांकुर हैं इस देश के, जो वीर जांबाज हैं, उनको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और जो आत्मनिर्भर भारत की बात है, बलवान हैं, उनको नमन करने का भी आज दिन है। और साथ ही साथ ये जो आत्मनिर्भर भारत है उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, को कैसे हमें सिद्धि तक पहुंचाना है। जयंत जी, आपने तो देखा है कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, हमारा देश अब उस दिशा में आगे बढ़ गया है कि हम निर्भर रहने के स्थिति में रहना नहीं चाहते। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनना ये कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं दिखाई दे रहा अब हम जो हमने पिछले एक साल में देखा है जिस तरह से स्थितियां बदली हैं देश में। हमारे लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है हमारा मानव संसाधन, हमारे जो युवा वर्ग हैं जिनमें ऊर्जा है, जिनमें शिक्षा पाने की ललक है, जिनमें इनोवेशन पैदा करने की, रिसर्च करने की लालसा है, और जो त्रुटियां हैं हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसे दूर करने की बात हो रही है। तो इसमें एक और तस्वीर एक बार दर्शकों को दिखा दूं जिन्होंने अभी अभी हमारे को ज्वाइन किया है। ये देखिए सातवां भाषण था, मैं एक बार लगातार तस्वीर पर दिखा रहा हूँ। आज 86 मिनट का भाषण था, यानी कि 1 घंटा 26 मिनट का भाषण था, और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई एस्पेक्ट छूटा हो। और इतना जिसे कहते हैं प्रिसाइज तरीके से पूरी दुनिया को समझा देना और भारत तक मैसेज कन्वे कर देना जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सर, कि सेल्फ रिलायंट इज द ओनली की, अब हम खड़े हो सकते हैं और खड़े होकर के दिखाया है। जी ये बात सही है, और इतनी बड़ी आबादी हमारी है, इतनी बड़ी संख्या में युवा वर्ग है, और सबसे ज़्यादा वृद्धि ग्रोथ जो होगी हमारे देश में होगी। अगर सभी बड़े देशों को आप जोड़ लें तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ युवा हैं। तो इसलिए हमारा जो भविष्य है वो संभावना से पूर्ण है, और उस संभावना को सच्चाई में बदलने के लिए हमें ज़रूरत है आत्मनिर्भर बनने की, कोशिश करने की, और उस कोशिश को सफलता में परिवर्तित करने। ये आत्मनिर्भर क्रांति भी साथ ही साथ स्वास्थ्य क्रांति, सुरक्षा क्रांति, शौर्य क्रांति, ये संपूर्ण क्रांति को समेटे हुए था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 1 घंटा 26 मिनट का भाषण, 86 मिनट का भाषण। और कैसे उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि साहस का जिक्र भी किया, बलिदानों को नमन करके अपने भाषण की शुरुआत की। मैम आपका एक कमेंट लूंगा, आप उस वक्त कहना चाहती थी जब संतोष बाबू, शहीद संतोष बाबू के बेटे को हमने देखा श्रद्धांजलि देते हुए, मैं आपकी उसके ऊपर एक आपसे एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले सुनते हैं बलिदानों को नमन कैसे किया प्रधानमंत्री मोदी ने। मेरे प्यारे सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण, आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। तो विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, ये जो तस्वीर हम इस बच्चे की देख रहे हैं किस तरह से वो श्रद्धांजलि दे रहा है अपने पिता को संतोष बाबू, और ये शहीद संतोष बाबू तो एक नाम हो गया, ऐसे तो हमारे देश में ऐसे बहुत से वीर जांबाज हैं और जिनको आज सलाम करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, और उन्हीं की दिखाई राह पर आगे बढ़ने का भी दिन है। ये नई पीढ़ी को समझना होगा। जो हमारी सेना का जज्बा है और उनके परिवारों का, वो एक मिसाल की तरह है, और हम जरूर देखते हैं कि दूसरी सेना अगर
हम चीन को देखें तो हो सकता है कि वो संख्या में ज्यादा हो पर वो जज्बा नहीं है, उनके अंदर वो अनुशासन नहीं है, वो संगठन नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लक्ष्य असाधारण हो तो चुनौतियां भी असाधारण होती हैं। और उसी तरह से जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सैन्य कर्मी हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनके सामने असाधारण चुनौतियां तो होती हैं लेकिन उनका जज्बा भी उतना ही असाधारण होता है। हमारे साथ इस वक्त जवान मौजूद हैं। मैं चाहूंगा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सब लोगों को जय हिंद, स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो सर। यह ITBP का बैंड हमारे साथ मौजूद है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और बहुत आपने इनको टीवी पर देखा होगा, कंसर्ट्स बड़े बड़े करते हैं लेकिन आज हमें लगा ये मौका है कि आपके सामने इस जज्बे को लाया जाए। शुरुआत करते हैं राजकुमार जी आपकी अगुवाई में, और बहुत हम ये कहें कि जैसे गूजबम्स आते हैं, बहुत मन कर रहा है आपको यूट्यूब पे बाकी जगहों पे कंसर्ट्स में देखा है आज सामने। We'll be right back.
बहुत 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 बढ़िया, ये मुजम्मल हक साहब थे, बहुत बहुत आपने बहुत खूबसूरत धुन बजाई। मैं चाहता हूँ अपने लिए आप खुद जरूर ताली बजाइए। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, आज अगर ये देख रहा होगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रांसमिशन 180 देशों तक जाता है, कि आईटीबीपी लद्दाख में भी तैनात है, आईटीबीपी एलएसी पर भी तैनात है। अगर ये हाथ सितार पकड़ना जानते हैं, गिटार पकड़ना जानते हैं, तो गलवान पर जाकर के उसकी हड्डी तोड़ना भी जानते हैं। ये है इनकी ताकत, है ना। विशाल का रुख करें, शायद मेरे ख्याल को इन्फॉर्मेशन है। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद हैं, जो कि लाल किले से अभी वापस आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, एक हेल्थ आईडी, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत, 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाना 1000 दिनों में, कितना महत्वपूर्ण संदेश रहा, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो रहा कि जो उन्हें आत्मनिर्भर भारत की बात की है, लघु उद्योगों की बात की है, गाँव की बात की है, रोजगार की बात की है, जिसकी आवश्यकता है। 60-65% युवा है देश में, अगर उनके लिए रोजगार की होगी, आप देखिए कितना इम्पोर्ट है, अगर आप इसको रोक पाएंगे तो लघु उद्योगों को कितना बढ़ावा मिलेगा। और जब सरकार आई थी तो शायद 4 दर्जन गांव थे जो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए थे, अब गांव का एक व्यक्ति है वो भी डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ेगा। तो एक तरह से ये गाँव की तस्वीर बदलने की शुरुआत कह सकते हैं, शुरुआत तो बहुत पहले हुई, उसमें एक कदम आगे आज लेके गए हैं। रक्षा के मामले में उन्होंने बताया कि 100 के करीब जो हथियार थे उन पर बैन लगाया है, इंपोर्ट नहीं होंगे, तो इसका मतलब देश में बनेंगे कितने लाख करोड़ का हथियार। आप सोचिए, आज़ादी के बाद कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आज की स्पीच जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की है, मैं मानता हूँ आत्मनिर्भर भारत, गांव में रोजगार, स्वावलंबन, लघु उद्योगों को बढ़ावा, इन पे टिका हुआ। संजू बालियान जी, चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कह दिया, LOC से लेकर LAC तक हमारी सेनाएं मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जो जिस भाषा में जवाब चाह रहा है उस भाषा में जवाब दिया जा रहा है, क्या ये नए भारत की तस्वीर है? बिल्कुल साहब, नए भारत की तस्वीर है, और इसकी शुरुआत आज नहीं। अगर आप देखेंगे तो 2014 से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ा करने का काम, चाहे वो चीन बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, उससे पहले सड़कें नहीं थी। ये मोदी जी ने काम 6 साल पहले शुरुआत की थी, जो काम 6 साल पहले शुरू ना कर पाते तो शायद एकदम से चीन की सामने खड़ा होना मुश्किल काम था। पहले से हम हटते आए हैं, लगातार पहली लड़ाई हमारी चीन के साथ और लगातार हम बैकफुट में रहे, पहली बार देश चीन के सामने आंख में आंखें डाल के खड़ा है, और प्रधानमंत्री का शायद उसी बात को कहना था कि अब कोई यही फोकस है और इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर आज रहा भाषण में, और यही बात हम भी इस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। और आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की बहन नूतन जी यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक आंदोलन चला था देश में भारत छोड़ो का, लेकिन यहाँ पर भारत जोड़ो आंदोलन में जैसे हमारे जाबाज रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत जोड़ने में। और आज का वो दिन है कि हम उन जाबाजों को सलाम भी कर रहे हैं, नमन भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये वतन बिल्कुल सुरक्षित है और हम भी हैं सुरक्षित, और आज का दिन ये देख पा रहे हैं। वरना अगर नहीं आप यहाँ बैठे होते, नहीं आपके परिवार से गए होते, तो हम भी कहाँ सुरक्षित होते। तो सबसे पहले तो आपको नमन, जाहिर सी बात है जैसे प्रधानमंत्री जी ने किया, अब आप क्या थॉट्स हैं, क्या शेयर कर रही हैं? कैप्टन विक्रम बत्रा ने सर्वोच्च बलिदान दिया देश की सीमा पर, दुश्मन से देश की सीमा को बचाने के लिए। इसी तरह हमारे इतने सोल्जर जो हैं वो अपनी पूरी पराक्रम, वीरता, साहस के साथ अपना प्रदर्शन देते हैं, और ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक स्टेप है, ये इसी को भारत को विश्व में और ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। और इसी तरह जो रफाल और जो आर्म्स में और एम्युनिशन में जो हमारा देश आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है, मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है देश को और आगे ले जाने जी, के लिए। आपको लगता है जो सरकार की जो अप्रोच है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन है, उसमें कुछ बदलाव आप देख रही हैं? जी, ये एक देखिए, ये जो बदलाव है ये एक स्लो स्टेप, स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है, तो मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, और आई एम श्योर कि ये आगे देश को बहुत, हमारे देश को विश्व में बहुत ऊंचे स्तर पे लेके जाएगा। जी कैप्टन श्याम कुमार, चाहे हम रफेल की बात करें, अपाचे ले रहे हैं हम अमेरिका से, साथ ही साथ जो सुखोई है, MiG-29 है, ताकि हम सशक्त स्थिति में आए, जो कि लाल किले के प्राचीर से अगर इतनी मजबूती के साथ आप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कोई भी अगर दुस्साहस करेगा 1 इंच जमीन के साथ
समझौता नहीं करेगा हमारा देश। और उस दिशा में हम देख रहे हैं कि वो कदम हो रहे हैं, रफेल की जो डील इतने सालों से लटकी हुई थी वो अगर हमारे देश में आ रहे हैं तो ये हमें ग्राउंड पर दिखाना भी तो होगा, और वही हो भी रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट्स जो हुए हैं अभी, जो एक बहुत बड़ा मिसाल है हमारे लिए, जिसकी बहुत ज़रूरत थी बहुत दिनों से। खासकर मैं नेवी की बात करूं तो जो लीड टाइम मैं पहले जैसे बता चुका हूं, लीड टाइम इतना ज़्यादा है कि अगर हम आज प्लान करें तो 10 साल बाद एक शिप बनता है। हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ की जो पावरेस है, जो उसकी जो पकड़ है और जो हमारी जो मजबूती है वो तो दिख रही है। हमारे मेजगॉन डॉक, GRSC, जितने हमारे डॉकयार्ड्स हैं, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, ये तो पूरी क्षमता के साथ अपना कार्य कर रहा है। और जैसा मैंने कल भी कहा था, एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया हमने और सबमरीन्स बना रहे हैं हम। और जहाँ तक इम्पोर्ट्स की बात है, कुछ तो आज जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 से ज़्यादा आइटम्स हमने इम्पोर्ट बंद कर दिए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और हम उस जगह हमारा थ्रस्ट जा सके। अभी MH-60 जो रोमियो हेलीकॉप्टर है वो एक बहुत बड़ी काबिलियत लाएगा नेवी में, इसलिए कि जो सीकिंग मार्क 42 ब्रावो हेलीकॉप्टर्स अभी जो भारतीय नौसेना के सारे फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स में और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहा है, जो एक ऑलमोस्ट फोर्स मल्टीप्लायर है जिसको हम, मेरे ख्याल से इसका एक और एक्सटेंशन वो होगा। हमने पिछली बार तो देखा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इसके एक्सटेंशन के लिए आप थिएटर कमांड की तरफ भी हमारी पूरी तैयारी है, यानी कि थिएटर कमांड से जो है आपका जो तीनों अब तक जो कहते थे कि भारत लैक करता है कि जल थल और नभ तीनों का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, वो शायद अब यहां से शायद उसके बाद तो फिर लगता नहीं कि किसी तरीके की कोई गुंजाइश किसी दूसरे के पास रह पाएगी छेड़खानी करने की। ये हमारी तीनों सेनाएं अब सिंक में हैं और पहले भी सिंक में थी, लेकिन एक CDS के आने से वो एक तरह से इंटीग्रेट हो जाता है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने भाषण में कई बार इंटीग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जैसे ट्रेन कार ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट से और इस तरह से इंटीग्रेशन की बात की है, साइलोज में काम नहीं करना है ये कहा है। तो उस तरह से एक हम जो एक बाउंड्रीज हैं वो हम उसको क्रॉस कर रहे हैं और अच्छे दिशा में कर रहे हैं। एंड अगर इसी चीज को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दें, हर गांव तक फाइबर ऑप्टिक पहुंचाना, हर गांव तक जो है, अभी बहुत बात उठी थी कि इतना बड़ा लेबर क्राइसिस है जो जा रहा है वहां तक कैसे, उन्होंने कहा कि स्वरोजगार स्वालंब और जो जहां है वो उसको वहां तक रोजगार पहुंचाया जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्टेप। इक्वली हर गांव तक फाइबर ऑप्टिक तो एक है, इक्वली इंपॉर्टेंट जिसमें बार बार एम्फोसिस है, हर घर में पानी, पीने का पानी। यू नो ये बहुत रेवोल्यूशनरी चीजें हैं, इतने हमारे वर्ष हो गए हम हर घर में स्वच्छ पानी पीने को फंडामेंटल, और आत्मनिर्भरता ठीक है हम होंगे। आई थिंक जो मैसेज है प्राइम मिनिस्टर, देखिए आत्मनिर्भर अकेले नहीं हो सकते, ऑनेस्टली नहीं हो सकते, सरकार को भी करना होता है। तो पीएम का जो मैसेज है वो हमको ये देते हैं, गवर्नमेंट देती है कि देखिए हम बहुत अच्छी थी ना बीच में, हम कह रहे जो आपके परिवार के लिए जरूरी होता है ना वो देश के लिए भी जरूरी है। वो एग्जैक्टली परिवार को स्टैंड करते हैं ना, उसी तरह देश को स्टैंड कीजिए, एफर्ट तो सबके साथ ही निकले। बिल्कुल, तो उस कड़ी में तो हम ये कहेंगे ना, देखिए ये जो 2020 का वर्ष है अभी, तो इस शताब्दी में भारत 20 इयर्स का, इंडिपेंडेंस 75, बट इस शताब्दी में हम 20 साल के हैं। तो 20 साल की उम्र में जब यूथ एडल्ट हो रहा है भारत, और अब हम जब बाहर जा रहे हैं तो आत्मनिर्भर होकर के आगे जाएं। तो इसी में जो पीएम का मैसेज आ रहा है, थिंक कि हम ये कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक, जल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें सरकार कर रही है, इसमें पार्टनरशिप होनी है। अब हम सिटीजन्स को भी तो पार्टिसिपेट करना है ना, तो ये आत्मनिर्भरता बनेगी जब हम सब मिलके काम करेंगे जितना मैक्सिमम अपने देश के लिए। जी, साथ ही साथ अब जैन जी से भी जरूर इस पर रिएक्शन लेंगे कि ये आत्मनिर्भर अगर बनना है तो पूरी तरह से हम कैसे हो सकते हैं आत्मनिर्भर। लेकिन उससे पहले जो कोरोना काल हमारे लिए किस तरह से एक अवसर लेकर आया और कैसे हमने पूरी दुनिया को राह दिखाई इस संकट के दौर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात सुन लेते हैं। कोरोना पर भी आत्मनिर्भर, यानी कोरोना पर भी आत्मनिर्भर, जिस कोरोना का तो थ्रेट दिया करते थे। एक तस्वीर बहुत अच्छी आ रही है आप साथियों के लिए, बहुत सुखद तस्वीर है, आपके ही साथियों की तस्वीर है, ये देखिए ITBP की तस्वीर, ये पेगोंग सो से आ रही है। भारत
भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज पेंगोंग सो में भी और यहाँ पर ये होती है ना वर्सटैलिटी। ये देखिए हाथ में स्ट्रिंग्स हैं, गिटार हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के साथ ये भी आईटीबीपी के, वो भी आईटीबीपी के, भुगतने पर ये भी बंदूक उठाते हैं और दुश्मन को सिखा देते हैं जो उनका सबक होता है। लेकिन ये जो गूंज है ये हर तरफ, भारत माता की जय वंदे मातरम। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, भारत भाग्य विधाता लगातार हमारी ऐतिहासिक कवरेज जारी है, जब आएंगे तो एक और शानदार प्रस्तुति के साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.